ओम नमो आदेश गुरु जी को, सभी दर्शकों को जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ। मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पंडित नरेश नाथ जी वीडियोज में आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, आज आप जहां भी नजर डालोगे आपको दुख ही दुख दिखाई देंगे। आज के समय में सर्वथा दुख ही दुख दिखाई दे रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि आज हम ईश्वर से और अपनी संस्कृति से पूरी तरह विमुख हो चुके हैं। अपनी संस्कृति से टूटने के कारण ही आज हम ज्यादा दुखी हैं। मित्रों, किसी सभ्यता का अंत तभी होता है जब वह अपनी संस्कृति से टूट जाती है। मित्रों, हमारे ऋषि मुनियों ने आदि काल में ही ऐसे अनेक उपायों की रचना की थी जिनसे हम अपने सभी दुख क्लेशों का नाश कर सकते हैं। इनमें मंत्र साधना, तंत्र प्रयोगों के द्वारा, यंत्रों के द्वारा दुखों तथा क्लेशों का अंत करना शामिल है। आज हम आपको ऋषि मुनियों के रचे गए चमत्कारी सिद्ध यंत्रों में से परम सिद्धि प्रदान करने वाला A to Z दुखों का तथा संकटों का अंत करने वाला यंत्र राज आज आपको हम प्रदान करने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, हमारा इस चैनल को बनाने का उद्देश्य मात्र इतना है कि आप सभी के दुखों को दूर कर सके, आपकी मनोकामनाओं को भी पूर्ण कर सके। तो मित्रों, इसके लिए हम समय समय पर आपको चमत्कारी टोटके, स्वयं सिद्ध शावर मंत्र तथा यंत्र प्रदान करते आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z सभी दुखों का, सभी संकटों का अंत करने वाला एक चमत्कारी यंत्र राज बताने जा रहे हैं। इस यंत्र राज की रचना कैसे करनी है, इसको कब बनाना है, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। यंत्र राज के बारे में बात करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे प्रत्येक नई वीडियो की जानकारी आपको प्राप्त हो और आप उसे देखकर भरपूर लाभ उठा सके। तो मित्रों, इस यंत्र राज की रचना आपको रवि पुष्प नक्षत्र के दिन करनी है। रवि पुष्प नक्षत्र आप पंचांग में देख सकते हो। जिस दिन भी रवि पुष्प नक्षत्र हो, रविवार के दिन, वो दिन सुबह नहा धोकर आपको तैयार हो जाना है। अपने नित्य कर्म की पूजा पाठ करने के उपरांत आपको एक स्वच्छ भोज पत्र ले लेना है। भोज पत्र पर किसी प्रकार का छेद वगैरह ना हो और उस भोज पत्र के चकोर पीस के ऊपर आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा यंत्र राज क्रम अनुसार बनाना है। इस यंत्र राज की रचना आपको हल्दी के घोल से करनी है और इसमें आपको अनार की कलम का प्रयोग करना है। तो मित्रों, यंत्र बनाने से पूर्व आपको अपने कुल देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता तथा नवग्रह देवता और प्रथम पूजनीय विघ्नहर्ता गणपति जी का तथा अपने इष्ट देव का स्मरण करना है। उनसे आपको अपने कार्य में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। जो यंत्र आज आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसा ही बनाएं। यंत्र को भोज पत्र पर बनाने के उपरांत जब ये सूख जाए तो इसके पीछे अपनी समस्या लिख दें या अपना दुख लिख दें। जिस कारण से भी आप ज्यादा परेशान हैं वह कारण लिख दें और फिर इसको शुद्ध स्वच्छ कपास की रुई में लपेट दें। इसे एक बत्ती बनानी है। बत्ती आप खड़ी हुई भी बना सकते हैं और लेटी हुई भी बना। गाय के घी में इस बत्ती को अच्छी तरह भिगोकर इस बत्ती को जला देना है और इस बत्ती को इस प्रकार से रखें कि बत्ती पूरी तरह से जल जाए, अर्थात जो यंत्र आपने बत्ती में डाला है वह पूरी तरह से जल जाए। और इसके दौरान आपको हल्दी से इस दिव्य मंत्र का 11 माला जाप करना है और आपको ये क्रिया 11 दिन तक
हर रोज करनी होगी। इसी प्रकार से यंत्र की रचना करनी होगी और यंत्र के पीछे अपनी समस्या लिखनी है। और याद रखें मित्रों, हर बार एक ही समस्या लिखनी है जो आपकी समस्या है। एक समस्या के समाप्त होने के बाद दूसरे रवि पुष्य नक्षत्र में आप अपनी दूसरी समस्या के बारे में सोच सकते हो। एक समय में एक ही समस्या का निदान होगा, इस बात का ध्यान रखें। तो मित्रों, एक ही आसन में बैठकर आपको हल्दी की माला से इस दिव्य मंत्र का 11 माला जाप करना है। मंत्र इस प्रकार से है मित्रों, ओम ह्रीम हंसः। मंत्र फिर से नोट कर लीजिए, ओम ह्रीम हंसः। इस मंत्र का आपको हल्दी की माला से हर रोज 11 माला जाप करना है 11 दिन तक। और 11 दिन तक ही आपको इस दिव्य यंत्र को बताई गई विधि अनुसार प्रयोग करना है। तो निश्चय जाने मित्रों, आपकी हर समस्या, हर बड़े से बड़े संकट, विकराल दुख का इस यंत्र राज से सदा के लिए अंत हो जाएगा। निश्चित जानिए मित्रों। तो मित्रों, ये था आज का यंत्र राज का प्रयोग। ए टू जेड सभी दुखों, सभी संकटों का अंत करने के लिए। तो मित्रों, आशा है कि आज की ये जानकारी आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। और यदि फिर भी आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमें प्रातः 10 बजे से लेकर मध्याह्न 12 बजे तक दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और मित्रों, विशेष ध्यान दें कि उसके उपरांत आप काल मी फोर ऐप डाउनलोड कर वहां पर पंडित नरेश नाथ जी @CM4 सर्च कर सीधी हमसे वार्तालाप कर अपनी जिज्ञासा का समाधान प्राप्त कर सकते हो। एक बार अवश्य ही इस यंत्र का प्रयोग कर देखें। और यदि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो मित्रों, आज जहां भी हम दृष्टि डालते हैं, हर घर में दुख और संकट ही दिखाई देते हैं। तो मित्रों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें कि सभी इसका प्रयोग कर लाभ उठा सके। तो मित्रों, अधिक से अधिक शेयर तथा लाइक करना ना भूलें। और अंत में एक बार फिर आपसे कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सब्सक्राइब के साथ वाले बेल के बटन को दबाना हर भी ना भूलें। तो मित्रों, आज इतना ही। जय महाकाली, जय गुरु गोरखनाथ, भगवती महाकाली आप सबका मंगल करें।